बच्चे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। अजय सब एलजी साहब से मिलाया था, मनोज सिन्हा जी थे, उसके बाद रविंदर राणा जी थे, जुगल किशोर जी थे, उधर यही वादा किया गया था जैसे डीडीसी इलेक्शन खत्म होगी आपको जो है मिनिमम रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाएगी। 9 महीने के बाद हम बिल्कुल एक टच में रहे रविंदर राणा जी से भी, जुगल किशोर से भी, पुंछ रोज एमपी साहब से भी, लेकिन हमने देखा कि ये एक सिर्फ खोखले वादे थे। खोखले वादे ही देखने के बाद हमने देखा कि जहाँ 9 महीने हो गए, अगर ये सरकार करना चाहती तो हमें करती थी। इसलिए हमारी जितनी ऑर्गेनाइजेशन थी अपने फ्रंट की, जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की, इन ऑर्गेनाइजेशनों में जम्मू में आके एक डिसाइड किया गया कि हम वन डे का एक प्रोटेस्ट रखेंगे, जो डिपकॉम साहब को एक मेमोरम देंगे। डिपकॉम साहब को मेमोरम देने का यही एक मकसद है कि जहाँ डिपकॉम साहब हमारी जो कॉपी है वो एलजी साहब को भेजेंगे कि हमारे जो मसला है 8000 लोगों, जो हमारे साथ वादा किया उस वादा को पूरा किया जाए। अगर ये वादा पूरा नहीं करती है तो आने वाले दिनों में आपको फिर से ग्राफ दिखेंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के ग्राफ होंगे, चाहे मनोज सिन्हा जी एलजी साहब के ग्राफ हो, चाहे वो दिल्ली में अमित शाह जी के ग्राफ हो। ग्राफ इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मसला है, हमारे साथ वादा किया उस वादे को एक खड़ा उतरना चाहिए सरकार ने। अगर ये सरकार नहीं करना चाहती है तब भी बताएं, जो वोट बैंक की राजनीति मत करें लोगों के साथ। जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मनोज सिन्हा जी को भी ये बताना चाहता हूँ, और माननीय जुगल किशोर शर्मा जी को, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जम्मू कश्मीर के, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर वो हिस्ट्री पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर की 1962 में, मैं खुद की बात करूंगा, 1962 में जब ये स्पेशल डिपार्टमेंट बनाए गए थे, जितने भी 1912 में बनाए गए थे, 1912 में जब डिपार्टमेंट हुआ, इनकी कोई भी रिक्वायरमेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई थी, चाहे वो स्टेंशन में पीडीडी था, पीएचई था, पीडब्ल्यूडी था, इनको 1912 में कोई नहीं लगाई गई थी। 1912 के लिए ही ये लोग जो लगाए गए थे, ये पीडीएल लगाए जाते थे, ये शुरू से कोई अभी तक जब मुलाजिम थे। और उसके बाद सरकार आई थी जीएम शाह जी की 1985 में पहली बार एक ऑर्डर आया था कि जितने भी जो कैजुअल लेबर है इनको परमानेंट किया जाए, 1985 का जो था। उसके बाद आया गिरीश सक्सेना जी, गवर्नर साहब आए, गवर्नर साहब ने भी एक रूल निकाला कि 7 साल जितने भी लोग लगे होंगे, जिनको 7 साल गए, 84 बोचर जिनके कंटिन्यू होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है, मनोज सिन्हा जी ने रूल्स नहीं पढ़े जम्मू कश्मीर के, उनको क्या पता है। जेक अभी तक आपने भी देखा होगा, जितने भी ग्रास रूट में वर्कर काम करते हैं इनके लिए कोई सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने अभी तक कोई पॉलिसी निकाली है, ना रिक्वायरमेंट पॉलिसी थी। जे लोग ऐसे ही लगाए जाते थे, फिर इनको 7 साल के बाद जो परमानेंट किया जाता था, लेकिन ऐसा नहीं, तो आज तक इन्होंने उसके बाद रोड मैप बना लिया ना, तो परमानेंट SRO 64 देखेंगे आप 1994 वाला, उसमें जे ही लोग परमानेंट किए गए थे। ऐसा कुछ मनोज सिन्हा जी से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, आप SRO 64 भी पढ़े और SRO 520 भी आपने स्टडी करना चाहिए, उसके बाद कोई टिप्पणी देनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों। आपने भी बोला कि आपने इतने घेराव किए, हमने जब घेराव किए, घेराव से पहले क्या था, जब घेराव थे, घेराव के बाद कुछ दिनों के अंदर अंदर DTC इलेक्शन आ गई, हमारे साथ राजनीति भी की गई और रणनीति भी की गई। राजनीति इसलिए की गई कि हम आपको गवर्नर साहब से मिलाते हैं, उधर बोला गया कि जैसे DTC इलेक्शन खत्म होगी आपको जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी की, रणनीति जे बनाई गई कि इन लोगों को यूज किया जाए वोट बैंक के राजनीति। हमने बिल्कुल सिर में सब कुछ मिलाकर हमने पूरी सपोर्ट की कि ये लोग DTC इलेक्शन में आने चाहिए, फिर से हमारा मसला हल हो, इस बार बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हमने वहां भी यही चीज बोली थी कि फेस मैनर में सरकार को करना चाहिए, जैसे 2014 की सब कमेटी का एक ऑर्डर है कि इन लोगों को फेस मैनर में किया जाएगा, उस कमेटी को ने 2014 की पढ़नी चाहिए सब कमेटी को, अगर उस कमेटी को पढ़ेंगे जिनको खुद पता चल जाएगा कि 2014 में जो फेस मैनर की बात है, रेगुलराइजेशन पॉलिसी और फेस मैनर की। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ मनोज सिन्हा जी को, प्लीज वो 2014 का जो SRO सब कमेटी का ऑर्डर है जिसमें राठौर साहब भी थे, जो सारे थे, वो ऑर्डर पढ़ना चाहिए जो फेस मैनर। मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं।